सो हेलो फ्रेंड, ब्लॉग मैन रोहित में आपका स्वागत है। आज आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं गंगा पथ का अपडेट देने, कितना काम हो चुका है उसको दिखाने और साथ ही साथ कंगन घाट और भद्र घाट के तरफ। जो रोड गंगा पथ आगे की ओर जा रहा है तो किस तरह से कितना हो पाया है काम, चलिए आपको दिखा दें। हेलो फ्रेंड, हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक नया वीडियो का अपडेट लेकर। तो ये गंगा पथवे के पास नया अप्रोच रोड बन रहा है जो गाय घाट से डायरेक्ट आप गंगा पथवे पे जा सकते हैं या गंगा पथवे के लोग गाय घाट की तरफ आ सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो स्पैन लॉन्चिंग का काम पिलर नंबर 122 के पास हो रहा था वो बंद हो चुका है। अब ये मशीन जो है आपको आगे की ओर स्पैन लॉन्चिंग करेगा, मतलब भद्र घाट से पहले जितने भी पिलर बने हुए हैं उस पे स्पैन लॉन्चिंग का काम की तैयारी शुरू हो रही है। तो ये मशीनें खुल के उधर जा चुकी है, चलिए आइए हम वीडियो में आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में फिनिशिंग काम शुरू हो चुका है, मतलब जो है ना फुटपाथ और मेन जो गाड़ियों का आवागमन के लिए दो लेन हो गया और ये साइड में, इस साइड में भी फुटपाथ के लिए जो बाउंड्री वगैरह जो होता है ना घेरने का काम शुरू हो चुका है। और ये है पिलर नंबर 122 और उस पर ऊपर जो है स्पैन का लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ से वहाँ तक का स्पैन लॉन्चिंग का काम बाकी है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है। जब गाड़ियाँ इस पर दौड़ेंगी ना, यहाँ से यहाँ दौड़ेंगी तो आपको गंगा का भी ये दृश्य देखने को मिलेगा। बहुतों को ये लग रहा होगा कि NIT मोड़ा कृष्णा घाट की तरफ से गंगा पथवे जो यहाँ गाय घाट की तरफ से यहाँ पे रास्ता कटा हुआ है, अगर यहाँ पे गार्डर लॉन्चिंग हो जाएगा, बन जाएगा, तो लोग यहाँ से अप डाउन कैसे करेंगे, घाट की तरफ कैसे आएंगे। तो मैं बता दूँ, यहाँ पे मिट्टी का कटाव आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे गार्डर लॉन्चिंग हो जाएगा तब भी अंडरग्राउंड टनल के जरिए, मतलब ये जो मिट्टी कटाव है इससे टनल बनाया जाना है इस ब्रिज के नीचे से, मतलब ये जो गंगा पथवे है इसके नीचे से आप आना जाना कर सकते हैं। इस गंगा पथ के उस साइड से हम आपको दिखा दिए हैं, अब इस साइड में आ चुके हैं, अब हम उस साइड में दिखाएंगे क्या अपडेट हुआ है, क्या नहीं बना हुआ है और उसके बाद हम आपको इस गंगा पथवे के उस साइड में लेके चलेंगे कंगन घाट के। अब आपको दिख रहा होगा कि गंगा सेतु से जस्ट लगे दूसरा गंगा सेतु जो तैयार है उसका पिलर आपको गंगा नदी में दिख रहा होगा। तो पानी का जो जलस्तर है कभी घटते बढ़ते रहता है, जिसके कारण मशीनों को वहां तक जाने में और इसके काम को आगे बढ़ने में पानी के कारण काफी रुकावट पैदा हो रही है। और ये गंगा पथवे जो बन रही है इसी का सारा सामान, यहाँ तक इसका गार्डर जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दूसरा सेतु बन रहा है ना, उसी के लिए यहाँ पिलर के लिए हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये मशीनें लगी पड़ी हैं, स्पीड से सारा का सारा काम हो रहा है। तो नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। तो ये तो आपको दिखा ही चुके हैं, अब चलते हैं उस साइड में, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है मिट्टी का कटाव, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि अंडरग्राउंड टनल बनने वाला है और ये दोनों पिलरों पे गार्डन लॉन्चिंग होकर ये कंटिन्यू रास्ता बन जाएगा और इसके नीचे से लोग गंगा घाट पे आसानी से आ जा सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको पिलर नंबर 122 से जो लॉन्चर मशीन थी जिसे स्पैन लॉन्चिंग करना था, वो मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में आगे जाके भद्र घाट तक जो पिलर बने हुए हैं वहाँ पे जाके उस मशीन को सेट किया जा रहा है ताकि वहाँ पे स्पैन को लॉन्चिंग किया जाए। और ये अगला वीडियो भी आएगा दोस्तों जहाँ स्पैन को लॉन्चिंग किया जा रहा है, किस तरह से हो रहा है वो तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही ये रास्ता देख सकते हैं यही है जो गंगा पथवे से नीचे की तरफ आ रहा है और गाय घाट में जाके मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे और भद्र घाट की तरफ स्पैन लॉन्चिंग की तैयारी आपको दिखाते हैं। आ चुके हैं पिलर के पास में, देख सकते हैं
ये रास्ता है सीधे मेन रोड की तरफ जाता है अशोक राजपथ की तरफ, और ये जो रास्ता है आपको ये भद्र घाट है, भद्र घाट का मंदिर है, आगे है मितन घाट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा ये घाट आगे की तरफ आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं पिलर का काम यहाँ तक हो चुका है, और उसके बाद उस साइड में एक पिलर बनेगा, और जैसे जैसे ये पिलर बनेगा वैसे वैसे सबको तोड़ना पड़ेगा और आगे की रास्ता निकलता जाएगा। हम उधर से आ रहे हैं आपको दिखाते हुए गंगा पथवे का, अब चलते हैं उधर की तरफ, अब दिखाते हैं। तो दोस्तों इससे देखकर कहना पड़ेगा कि जो गंगा पथवे का काम है इस मेगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, और जैसे जैसे जो भी इस पे प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर किया जा रहा है, चाहे मकान तोड़ने का हो, जमीन अधिग्रहण का हो या कुछ भी हो। फिलहाल ये लॉन्चर मशीन आप देख सकते हैं, सारे मशीनों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, और यह पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे जितने भी पिलर है, 2-3 पिलर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इन सारे पिलरों पर स्पैन लॉन्चिंग का काम यहाँ पर जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाना है। तो फिलहाल यहाँ तक देख सकते हैं, ये बगल में सर्विस लेन है जो गाय घाट से भद्र घाट, मित्तन घाट और कंगन घाट की तरफ ये चला जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी मिट्टियाँ मिलेंगी, धूल भी उड़ते हुए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से ट्रक का आना जाना होते रहता है, जो भी मटेरियल घटता है उसे इसी रास्ते से मंगाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं गाटर का रूप देने के लिए लोहे के बड़े बड़े आयरन गेज को जोड़कर इसे पिलर पे लॉन्च करना है, और यहाँ पे बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है इसे जोड़ने के लिए। और इस तरह से ये लॉन्च होते हुए गाय घाट की तरफ से आ रहा है, और ये भद्र घाट की तरफ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों पिलर नंबर 133 है यहाँ पे, और यहीं से जो है ना ये वो पथवे बन रहा है जिसके जरिए है ना मेन गंगा पथवे से आप यह गाय घाट की तरफ नीचे उतर सकते हैं, तो इस रोड में मिल जाएगा। तो ये अभी जो आपको दिख रहा है ये वही गाय घाट का अप्रोच लेन है जो गंगा पथवे से नीचे उतर कर गाय घाट की तरफ इधर मिल जा रहा है। मतलब इस रास्ते से आप उतर भी सकते हैं और अपना गाय घाट जो भी है गंगा पथवे पे ऊपर चढ़ भी सकते हैं। और ये बहुत सारा ये गार्डर रखा हुआ है यहाँ पे जिसे जोड़ जोड़ कर गंगा पथवे को निर्माण करके रोड के रूप देना है। तो दोस्तों ये था गंगा पथवे का अपडेट, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।